हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ भूपेंद्र। आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट। दोस्तों, टेक सपोर्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे वीडियो के नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास में आ रहे बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा दें, क्योंकि उसको दबाने के बाद आपको जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में जिस ट्रिक को शायद आप नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आज की इस वीडियो में जिस ट्रिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो ट्रिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। दोस्तों, होता क्या है कि अगर हमें अपने मोबाइल डाटा को सेव करना है तो कभी कभी कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे होते हैं जो फ़ोन को मांग लेते हैं। फ़ोन को मांगने के बाद वो हमारा जो 1 GB लिमिट है उसे ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, अगर आज के समय में हम बात करें तो अगर हमें जो मोबाइल नेटवर्क हैं जैसे आइडिया, वोडा, एयरटेल और हमारा जो जियो, मतलब तो सारे अगर हमें कम पैसे में अच्छा नेट दे रहे हैं तो उसकी लिमिट हमारे लिए डेली मिलती है 1 GB। दोस्तों, अगर हम 4G नेट यूज कर रहे हैं तो 1 GB लिमिट कुछ ज़्यादा नहीं है, 1 GB लिमिट हमारा डेली ख़त्म हो ही जाता है। दोस्तों, हम 2 GB भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब हमें 1 GB मिल रहा है तो हमारे फ्रेंड्स अगर फ़ोन मांग के डाटा को यूज कर देंगे वो फालतू का, तो हम कैसे यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें अपने डाटा को सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए हमें अपने डाटा को हाइड करना पड़ेगा। सिंपली अगर आप अपने डाटा को हाइड कर देंगे, अपने फ्रेंड को किसी को फ़ोन देते हैं तो आपके डाटा को वो यूज नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ये हम कैसे करते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपली फ़ोन की सेटिंग में चले जाते हैं। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद हमें वहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है मोड का। दोस्तों, हम मोड में जाते हैं और वहाँ चले जाते हैं अपने सेलुलर नेटवर्क में। वहाँ नेटवर्क में जाने के बाद में आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेस कार्ड नेम का। दोस्तों, अगर आप सिम 2 से नेट यूज कर रहे हैं तो आप सिम 2 पर सिलेक्ट कराइए। फिलहाल सिम 1 GB से मैं नेट यूज कर रहा हूँ तो उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद जो आपकी जो इंटरनेट सेटिंग आ रही है, पहले तो आपको बैक जाना है और यहाँ से कर देना है रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। दोस्तों, आपको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देना है, और अगर आपका इतने पे नेट अगर चल रहा है तो आपको क्या करना है, अगर आपने अभी देखा था कि जैसे ही मैंने रीसेट टू डिफ़ॉल्ट किया मेरा डाटा ऑटोमेटिक ऑफ होके ऑन हो गया, जैसे कि इस तरह से। लेकिन दोस्तों, हमें अगर आपका इस तरह से डाटा बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, जो आपकी सेटिंग है उस पर जाना है और यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके डिलीट APN कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप इसे डिलीट APN कर देंगे, बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपका जो रिसेंट यूट्यूब है उसे हटा देंगे, क्योंकि हमें देखना है कि हमारा नेट चल रहा है नहीं चल रहा है। अब हम जाएंगे अपने डाटा में, और डाटा में जाने के बाद उसे पहले जो हमने ऑन कराया था वो ऑलरेडी ऑन है। फिलहाल हम इसे बंद करेंगे। बंद करने के बाद दोबारा ऑन करेंगे और डन कर देंगे। आप देखेंगे जो आपका डाटा है वो आप ऑन कर चुके हैं, लेकिन आपका डाटा नहीं चल रहा है, शो भी नहीं हो रहा है ऊपर। और आप दिखा देते हैं हम आपको कि YouTube ओपन करेंगे तो देखिएगा नो कनेक्शन आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि हम अंदर से अपने डाटा को सेटिंग में जाकर ऑन करा लें, वहाँ से नेट चल जाए, तो आप देखेंगे कि वहाँ से भी आपका डाटा ऑन है। फिलहाल हम इसे ऑफ कराते हैं, दोबारा ऑन करा लेते हैं। ऑन कराने के बाद भी आपका नेट नहीं चलता है, तो आपको करना क्या है, अपना नेट चलाने के लिए अगर आप दोबारा चलाना चाहते हैं कुछ नहीं करना है, बस आपको एक प्रोसेस करनी है वो जिसमें 30 सेकंड लगते हैं। जैसे कि आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, फिर मोर ऑप्शन चूज करना है, फिर सेलुलर नेटवर्क, और नेटवर्क में जाने के बाद एक्सेस पॉइंट नेम, और यहाँ पर जो प्लस का साइन है इस पर क्लिक करना है। नेम में आपको लिख देना है इंटरनेट, और APN में आपको लिख देना है जियो नेट। लिखने के बाद में आपको ऑथेंटिकेशन टाइप में नन पे क्लिक कराना है, और आपका जो APN प्रोटोकॉल है उसको IPv4 IPv6 पे ही रहने देना है, और बैरियर आपका LTE। 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से सेव करा देना है।
जैसे ही आपने दोस्तों देखा होगा कि जैसे ही हमने सेव कराया, सेव कराने के बाद हमारा जो डाटा है वो मतलब ऊपर ऑन हो गया है और शो भी हो गया है। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि हम अपने यूट्यूब को भी चला पा रहे हैं और हम अपने नेट को भी चला पा रहे हैं। तो दोस्तों ये एक सीक्रेट ट्रिक है जिसकी वजह से आप अपने फ़ोन के डाटा को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो लाता रहूँगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बराबर में आ रहा है एक बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।